अब बात गर्मी की, आज गर्मी का हाल क्या रहेगा? सबसे पहले आपको ये बता देते हैं, राजस्थान, विदर्भ और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में पारा 45 डिग्री के ऊपर रहेगा। राजस्थान और मध्य प्रदेश में 7 जून तक लू जारी रहेगी। महाराष्ट्र के विदर्भ में अगले 5 दिन लू जारी रहेगी, तो वहीं पंजाब, हरियाणा और दक्षिण उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिन तक लू जारी रहेगी। दिल्ली में आज तापमान 41 डिग्री रह सकता है। दिल्ली में आज सुबह 5:30 बजे 29.8 डिग्री तापमान था। दिल्ली में आज शाम आंधी भी आ सकती है। मंगलवार की सुबह दिल्ली वालों के लिए थोड़ी राहत लेकर आई है, क्योंकि आज जो मौसम है वो थोड़ा सा बेहतर नजर आ रहा है। और अगर आज आप घर से बाहर निकलेंगे तो गर्मी फिलहाल अभी आपको इतना नहीं सताएगी, क्योंकि हवाएं चल रही हैं। हवाओं के जो बहाव का रुख है उसमें बदलाव आया है, पूर्वी दिशा से हवाएं चल रही हैं, इसीलिए जो अधिकतम तापमान है उसमें 1 से 2 डिग्री की गिरावट दर्ज की जा सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक आज का जो अधिकतम तापमान है वो 41 डिग्री तक दर्ज हो सकता है, जबकि आज सुबह 5:30 बजे जो तापमान दर्ज किया गया वो 29.8 डिग्री रहा। तो मौसम विभाग के मुताबिक अब जो दिल्ली का पारा है वो बहुत ज्यादा चढ़ने की उम्मीद नहीं है और तापमान इसी तरह से 41 डिग्री तक बना रहेगा। और दिल्ली वाले अभी थोड़ी राहत महसूस कर रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आज शाम को हल्की बारिश और हवाएं भी चल सकती हैं। रूफी जैदी, जी मीडिया, दिल्ली। तो रूफी जैदी की रिपोर्ट आपने देखी, दिल्ली में मौसम का क्या हाल है, लेकिन देश के दूसरे हिस्सों में मौसम की स्थिति क्या बनी हुई है उसके लिए रिपोर्ट देखी। ये राजस्थान का चुरू शहर है। चुरू यानी इस वक्त दुनिया का सबसे गर्म शहर। 2 दिन पहले चुरू का तापमान 50 डिग्री के पार चला गया था। रविवार को 48.9 डिग्री से लोगों का हाल बेहाल रहा। सोमवार को पारा फिर 50 पार हो गया। सोमवार को चुरू में पारा 50.3 डिग्री दर्ज किया गया। दुकानदार अपने दुकानें खोल खोल कर बैठे हैं, बाजार पूरा सुनसान पड़ा है। गर्मी के पड़ रही है, समझ ले के जी तो निकल रहे हो कोनी, बाकी क्यों रह रहे हो कोनी। राजस्थान के श्री गंगानगर में गर्मी ने 85 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। रविवार को यहां का तापमान 48 डिग्री को पार कर गया। सोमवार को भी आसमान से आग बरसी। राजस्थान से आपको लिए चलते हैं महाराष्ट्र। यहां वर्धा में भी गर्मी और लू का प्रकोप दिखा। वर्धा में 3 लोगों की मौत हो गई। देश की राजधानी दिल्ली में गर्मी का कर्फ्यू चल रहा है। सोमवार को दिन का तापमान 43 डिग्री रहा और मुसीबत यह है कि अगले कुछ दिन तक दिल्ली में इसी तरह की गर्मी पड़ने का अनुमान है। एसी का हवा, कूलर का हवा, हवा ही नहीं लगता है, बिल्कुल इतना ज्यादा गर्मी हो रही है। तो गर्मी की वजह से तो दोपहर में निकलने का कहीं मन ही नहीं करता। ये तो इमरजेंसी थी, मुझे मेडिसिन लेनी थी, आना पड़ा। तो गर्मी तो बहुत भयानक पड़ रही है। रिकॉर्ड तोड़ दिया इस बार तो गर्मी ने। गर्मी ज्यादा है तो ये तो कुछ काम ही नहीं कर रहा है। आधे हिंदुस्तान में गर्मी का कहर है और दक्षिण भारत के तेलंगाना में गर्मी से मौतों का आंकड़ा बढ़कर 17 हो गया है। ऐसे में अगर आप ये सोच रहे हैं कि ठंडी जगह जाकर राहत पा जाएंगे तो ये गलतफहमी दिल से निकाल दीजिए, क्योंकि जम्मू में पारा 45 डिग्री को टच कर गया। मसूरी में भी तापमान 40 डिग्री को पार कर गया। मंगलवार को भी गर्मी अपना सितम ढाएगी। राजस्थान के ज्यादातर इलाके, महाराष्ट्र के विदर्भ और महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में तापमान 45 डिग्री के ऊपर रहेगा, इसलिए बहुत जरूरी हो तभी घर या दफ्तर से बाहर निकले, और जब निकले तो पूरी सावधानी और सतर्कता के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।